एक बार मुंह से जो निकाल दिया उससे आगे पीछे नहीं हट सकते, दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती है। 2017-18 में हमने कहा हुआ है कि 10 साल तक किसी भी लोकसभा या राज्यसभा में जाने का सवाल नहीं। हमको अगर लोकसभा राज्यसभा में जाना है तो उसके लिए हमको वाल्मीकि नगर जाना पड़ेगा। लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे क्या? राजनीतिक भविष्यवाणी करने वाले प्रशांत किशोर अपने लिए भविष्यवाणी करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं नाज़मीन खान आपके साथ। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मीडिया चैनलों में प्रशांत किशोर को लेकर जो अभी सिर्फ अभियान चलाते हैं और अभियान के तहत जनता के बीच में जुड़ते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसी अभियान के तहत प्रशांत किशोर चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रशांत किशोर को लेकर कहा गया कि बिहार में एक्टिव हैं, बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भी चर्चाएं होती हुई नजर आई, लेकिन प्रशांत किशोर ने इन तमाम दावों को खारिज कर दिया। प्रशांत किशोर ने साबित कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं। इसी बात को लेकर प्रशांत किशोर का एक बड़ा बयान मीडिया के सामने आया है। प्रशांत किशोर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, एक नजर। या जो सामान्य राजनीति आप लोग देखते हैं, इससे आगे देखने को तैयार ही नहीं। जब हमारा दल ही नहीं है, हमको वाल्मीकि ना, हमको इतने चुनाव लड़, हमने घोषणा एक बार मुंह से जो निकाल दिया उससे आगे पीछे नहीं हट सकते, दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती है। 2017-18 में हमने कहा हुआ है कि 10 साल तक किसी भी लोकसभा या राज्यसभा में जाने का सवाल नहीं है। हमको अगर लोकसभा राज्यसभा में जाना है तो उसके लिए हमको वाल्मीकि नगर जाना पड़ेगा। जिस राज्य से आप कहिएगा वहां से हम जीत के कल सदन में चले जाएंगे। कोई पार्टी अपने हाथ जिता के भेज देगी, लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई राज्यसभा से नॉमिनेट करके भेज देगा, हमारी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पता नहीं कौन पत्रकार चला रहा, बिना सोचे समझे वाल्मीकि नगर से लड़ रहे चुनाव। मेरे भाई, अगर हमको चुनाव लड़ना होता तो उसके लिए हमको पदयात्रा करने और वाल्मीकि नगर जाने की क्या जरूरत है। हम बंगाल से लड़ जाएंगे, आंध्रा से लड़ जाएंगे, कहीं से लड़ के जीत के जाए, बिना मेहनत के दूसरे लोग जिता के भेज के भेज देंगे। फालतू बात है। जब हमने कहा हुआ है कि हमको कोई दल से, राजनीति से, चुनाव से अभी मतलब नहीं है, हम जो काम कर रहे हैं लोगों को भरोसा ही नहीं है। इसलिए नहीं कि उनको हम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको इतना आदत लग गया है, कह रहे नेता आ रहे तो कह न रहे हैं, देखिए नहीं चलेंगे थोड़े। हम आपको कह रहे हैं कि नहीं दल बनाएंगे, आज 18 महीने से चल रहे हैं पैदल घर परिवार छोड़ के। अगर हमको चुनाव लड़ना होता, यहाँ तो बिहार में एक दिन में दल बना लेता है आदमी, तो यहाँ बिहार के भैया नेता को दल बनाने आ रहा है, हमको नहीं समझ है दल कैसे बनता है। उसके लिए 18 महीना हमको पैदल चलने की क्या जरूरत है। जब जो बात हमने कही है, जब तक बिहार को सुधारने के नजरिए से इस तीन उद्देश्य को लेकर घर से निकले हैं, इसको पूरा करने के लिए पूरी नई व्यवस्था न बना ले, तब तक इस लक्ष्य से हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धरती इधर की उधर हो जाए, मैं हटने वाला नहीं हूं। आप ये जानते नहीं, मैं जितना जिद्दी आदमी हूं, एक बार मैंने मन में ठान लिया तो कोई नहीं हटा सकता है। नीतीश कुमार बुला के ऑफर दे दें कि भाजपा दे दे कि कांग्रेस दे दे, हम इससे हटने वाले नहीं है। हमने सब 10 वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया, 10 वर्ष चुनाव का काम कराया राजनीति का, उसके बाद अब तय किया है जब मेरे जीवन का लक्ष्य है बिहार में सुधार। प्रशांत किशोर को आपने सुना, प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर यह कहा है कि मैंने 2018 में ऐलान कर दिया था कि 10 साल तक मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, मैं कोई भी चुनाव लड़ता हुआ नजर नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं चुनाव लड़ता तो मेरा फोकस वाल्मीकि नगर पर होता, वाल्मीकि नगर जाता, वहां जाकर ऐलान करता, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मुझको लेकर इतनी अफवाहें क्यों फैलाई जा रही। तो ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर खुद अपने मुंह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो चुनाव अभी नहीं लड़ेंगे। बेशक वो आरजेडी का साथ देते हुए बिहार में नजर आए हैं, बेशक तेजस्वी यादव का समर्थन करते हुए नीतीश कुमार को पलटू राम कहते हुए दिखाई दिए गए हों, लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि चुनाव वो अभी लड़ेंगे नहीं, इस पर विचार करेंगे। अब देखना होगा कि वाकई विचार करेंगे या कोई बड़ा कदम उठाते हुए भी नजर आएंगे। क्या लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।